हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्राय, आप देख रहे हैं हिजड़े की वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं फास्ट एंड फ्यूरियस क्रॉसरोड्स गेम के बारे में। सो जो फास्ट एंड फ्यूरियस क्रॉसरोड गेम है, मैं अभी अभी मेरे लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर लिया हूँ। एंड यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो, मेरे पास जो लैपटॉप है एसर एस्पेक्ट 7 i5 का 9 जनरेशन है। और इस लैपटॉप के अंदर हमने इस गेम को खेलने वाले हैं। बट द थिंग इज दैट इस गेम को अगर आप परचेस करने वाले हैं और अगर आप इस गेम को दोस्तों डाउनलोड करने वाले हो तो इस वीडियो का अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं दोस्तों जो आपको स्पेक बताऊंगा दोस्तों, अगर आप सुन लेते हो तो आप पागल हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस गेम के बारे में, अगर आप इस गेम को पीसी में खेलना चाहते हो तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं जो सेटिंग्स है वो सेटिंग्स दिखा देना चाहूंगा। सो यहाँ पर स्टोरी में चलते हैं, उसके बाद ऑप्शन में चलते हैं एंड ऑप्शंस के अंदर देख लेते हैं क्या क्या मिलता है। सो सबसे पहले ऑडियो के लिए मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आप ऑडियो का जो वॉल्यूम है उसे चेंजेस कर सकते हो। कंट्रोल की बात करें दोस्तों, आपको दो ही कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा। विजुअल्स के अंदर दोस्तों आपको देख पाओगे कुछ इस तरह से मिलेगा, विजुअल्स को आप चेंज भी कर पाओगे, हाई वेरी हाई तक कर सकते हो। बाई डिफॉल्ट दोस्तों ये आपको मीडियम के अंदर चलेगा, मतलब मीडियम के अंदर मिलेगा। सो बाई डिफॉल्ट ये जो ग्राफिक है दोस्तों इस लैपटॉप के अंदर मीडियम के अंदर होता है, बट मैंने यहाँ पर वेरी हाई कर दिया, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। एंड सोशल एंड एक्सटर्स के अंदर आप देख ही पा रहे हो। सो ये गया दोस्तों सेटिंग्स की बात, सेटिंग्स में आपको यही ऑप्शन मिलते हैं। बाकी चलते हैं जो गेम है उस तो गेम को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। पहले देख लेते हैं जो गेम है वो किस तरह से चलता है। सो यस कर लेते हैं भाई सब। एंड ऊपर आप दोस्तों जीपीयू का परफॉर्मेंस, सीपीयू का परफॉर्मेंस, रैम का परफॉर्मेंस, एज वेल जो एफपीएस है एंड जो टेम्परेचर है वो आप देख पाओगे, ठीक है। सो इस तरह की इंटरेस्टिंग अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर सकते हो। एज वेल मुझसे बात करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी है manabhtv@manabhtv। सो इंस्टाग्राम में जाइए, फॉलो कीजिए और बात कीजिए मेरे साथ। एंड अभी फिलहाल लोडिंग हो रहा है। तो ये जो गेम है दोस्तों कुछ इस तरह से मिलता है। हमने यहाँ पर जो ग्राफिक है उसे वेरी हाई कर दिया है एंड वेरी हाई करने के बाद कुछ इस तरह से मिलता है। एंड आई होप यू कैन सी ग्राफिक किस तरह से है हमें बताइए। मुझे पर्सनली दोस्तों जो ग्राफिक है इतना भी अच्छा नहीं लगा है। एंड यहाँ पर गेम देख पाओगे चल तो रहा है, बस ये सब 30 FPS के ऊपर आप देखी पा रहे हो, 30 के ऊपर ही रहे यहाँ पर है, 34 के आसपास है। बट ग्राफिक इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है दोस्तों भाई सब। अच्छा, इतने नया गेम होने के बाद भी जो ग्राफिक है इतना ज़्यादा पसंद पर्सनली मुझे नहीं लगा है। एंड जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था दोस्तों, अगर आप इस गेम को बाय करना चाहते हो और इस गेम को डाउनलोड करने वाले हो तो वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ इस गेम के बारे में, जो कि आपको ज़रूर से जानना चाहिए। यहाँ पर बता दूँ मेरे पास कोई भी कंट्रोलर नहीं है, मैं दोस्तों सिंपली जो कीबोर्ड है कीबोर्ड को यूज़ करके ही गेम को खेल रहा हूँ। यहाँ पर आती है मेन बात, ये जो गेम है दोस्तों डायरेक्टली PS4 से पोर्ट किया गया है हमारे पीसी के लिए। एंड यहाँ पर कोई भी दोस्तों की बाइंडिंग और जो कीबोर्ड सेटिंग्स होती है वो यहाँ पर नहीं डाला गया है। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना, यहाँ पर आपको कुछ कुछ टाइम समझ में नहीं आएगा कौन सा की दबाना होगा, क्योंकि दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर जो की शो किया जाएगा दोस्तों वो मोनली PS4 का कीज को ही शो किया जाएगा। और एक्स बॉक्स का देखो यहाँ पर बता रहा है बी प्रेस करने के लिए, अगर मैं बी प्रेस कर रहा हूँ दोस्तों जो बूस्ट है यूज नहीं हो रहा है। सो बी जो है दोस्तों ये PS4 और एक्सबॉक्स का बी का जो कंट्रोलर है उसको उसे बता रहा है। सो हमें पीसी के अंदर कौन सा प्रेस करना होगा, पीसी के अंदर बूस्ट को अप्लाई करने के लिए प्रेस करना होगा स्पेस को। अगर आप स्पेस को प्रेस करोगे तो जो बूस्ट है अप्लाई हो जाएगा। सो इस तरह से एक इशू है दोस्तों। जो कीबोर्ड है दोस्तों, कीबोर्ड के लिए गेम बनाई नहीं है दोस्तों, मेनली PS4 के लिए गेम को बनाया गया है। एंड यहाँ पर आती है मेन बात, क्योंकि आपको एक्चुअली समझ में नहीं आएगा आपको कौन सा बटन तो क्लिक करना होगा। सो अगर आप इस गेम को खरीदना चाहते हो तो मैं तो कहूँगा भाई साहब मत खरीदो, क्योंकि अच्छी एकदम भी नहीं है, मतलब ग्राफिक भी इतना इम्प्रेसिव नहीं है। उसके बाद ग्राफिक के साथ साथ दोस्तों जो की है, की के अंदर आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा आपको कौन सा की प्रेस करना होगा, इसलिए ये इशू आपको दिखाई दे सकते हैं। मेरे सबसे सिंपल इस गेम को आप जो है दोस्तों पीसी के लिए इग्नोर मारिए। अगर आपके पास कंट्रोलर है तभी अलग बात है, बट अगर आपके पास कंट्रोलर नहीं है, अगर आप एक सिर्फ कीबोर्ड के साथ ही गेम्स को खेलते हो तो ये जो गेम है भाई सब आपके लिए बनाया नहीं गया है। आप देख पा रहे हो जो ग्राफिक है दोस्तों वो भी इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, इससे अच्छा ग्राफिक आपको और बहुत सारी रेसिंग गेम्स के अंदर मिल जाएगी। एंड जो FPS है वेरी हाई के अंदर 36-38 के आसपास रहती है। एंड जो टेम्परेचर है 86 के आसपास चला गया है। सो बेकार गेम है भाई सब सच बताओ तो। अगर आप कीबोर्ड के साथ नहीं खेल सकते अपने पीसी के अंदर तो ये गेम बनाने का मतलब नहीं था।
बाकी देखो भाई साहब, मैं यहाँ पर स्विच करने के लिए बोल रहा है पर मैं आपको स्विच नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये जो बटन है ये कहाँ पर मिलता है कीबोर्ड के अंदर आई डोंट नो। एंड आपको सेटिंग्स के अंदर भी दोस्तों कोई भी अलग से कीबोर्ड के लिए ऑप्शन नहीं मिलता है। देखिए मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन के अंदर दिखाता हूँ, कंट्रोल के अंदर देखिए भाई साहब दो ही ऑप्शन है। यहाँ पर आप जो कंट्रोलर का वाइब्रेशन को बंद कर सकते हो एंड कैमरा के लिए मिलता है, बाकी कीबोर्ड से कौन सा की को की मैपिंग का कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो सिंपली इस गेम को अपने पीसी के अंदर इग्नोर मारिए, क्योंकि आपके लिए कोई भी काम का ये गेम नहीं है। आशा करो वीडियो पसंद आया होगा, सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। एंड अगर आपके पास SRS 7 है, बाकी गेमिंग वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो। एंड जितने भी गेमिंग वीडियो है सभी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो इस गेम को परचेस करने के लिए और डाउनलोड करने का कोई भी जरूरत नहीं है, अनलेस अनटिल आपके पास एक PS4 है और कंट्रोलर है तभी डाउनलोड कीजिए, कीबोर्ड के साथ ये गेम आप नहीं खेल पाओगे। एनीवे आशा करो वीडियो पसंद आया होगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।